सेंधा के लिए जोरदार तालियां। पुष्पक जी, सेंधा जब भी मुझे कहीं भी बुलाते हैं मुझे ईमानदारी से पहुंचना पड़ता है क्योंकि मैंने टाटा का नमक कम और सेंधा का नमक ज्यादा खाया। और भैया एक गाना रफी साहब का गाते गाते मैं मार्केट से जा रहा था, माजी चल ओ माजी चल, माजी चल ओ माजी चल। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा पीछे पिलपिली बुढ़िया ने आवाज दी, बेटा कहाँ तक आना है, अब क्यों आई, तू ही तो बोला माजी चल, आपकी दुकान छोड़ के आई बेटा। तालियां हो जाए दोस्तों, तालियां हो जाए, क्या बात है। आता माजी कोरोना के टाइम में जब लड़कियां मास्क पहनती थी और लंबे लंबे बाल वाले लड़के भी मास्क पहनते थे तो पता नहीं चलता था कि लड़की जा रही है लड़का जा रहा है। एक लड़की के पीछे मास्क पहना मैं पीछे भी जा रहा हूँ, रफी साहब का गाना गा रहा हूँ, चौधरी का चांद हो या प्रताप हो। लड़की अंधेरे से लेके विरार तक मुझे लेके गई और अपने घर के सामने मुंह खोल के देखता हूँ तो वहां पे लड़का था। उसे कहता भाईजान आफ्ताब ही हो, आफ्ताब सीधा चौधरी का चांद समझा, चौधरी का सांड निकला। कुछ बहुत सारे गाने जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले धरती पर आदम और हवा आए थे, एडम एंड ईव सबसे पहले, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी रफी साहब का गाना गाया था, रोमांटिक गाना। जब आदम रोमांटिक हो गए और हवा व्यू जो है एडम जो एडम रोमांटिक और व्यू जो है वो सेब खा रही थी, अभी फोटो देखा होगा एप्पल खा रही है, तब वो रफी साहब का गाना गा रही है, गाना गा रहे आदम साहब कहते हैं, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कौन हो सकता है कोई नहीं था, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहता है आदम तुझसे सुन ले हवा, तुम सेब को छोड़ कर आ जाओ आ जाओ। व्यू ने सेब को छोड़कर आ गई, आज हम 140 करोड़ जो एटम ऑफ व्यू घूम रहे हैं उसी गाने की देन, उसी गाने की देन। अच्छा कई लोग बोलते हैं, कई लोग जैसे हमारे अश्विन साहब मुझे कह रहे थे, बोले यार मेरी साली जो है वो कभी कभी आती है, घर वाली को रोज देखना पड़ता है, इस मुद्दे पे रफी साहब ने कोई गाना गाया, बिल्कुल गाया, साली कभी कभी आती है और घर वाली को रोज देखना पड़ता है, इस मुद्दे पर कोई गाना मैंने गाया, बिल्कुल रफी साहब ने गाया, बोले कौन सा, कर रहा है ये मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, साली सुख है एक छाओ ढलती आती है जाती है, तो रफी साहब एक सुबह कर गाने जैसे फुर्सत भी है मौसम भी है, लड़का फुर्सत भी है और मौसम भी है तो जूस बना के पियो, ये खूबसूरत खूबसूरत लड़के पर बहुत सारे गाने गाने हैं। एक रफी साहब का गाना, हमारे सेंधा जा रहे थे तो अचानक इनके एरिया के नेता ने कहा कि तुम रफी साहब के गाने गाते हो, एक आध गाना मुझे सुना दो, वो ऐसा गाना सुन के नेता गायब हो गए। गाना ये था, अचानक सेंधा ने नेता को देखे गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, नेता आज तक दिखा नहीं पता नहीं किसका गठबंधन कर रहा है किसका सपोर्ट दे रहा है। तो रफी साहब ने हर माहौल पर हर चीज पे गाना गाया है और मुझे लगता है कि इसीलिए रफी साहब जो है हम सब के लिए हमेशा यादगार है, हम हमेशा यादगार रहेंगे। अगर आपको अपनी पत्नी के लिए भी कोई गाना गाना तो रफी साहब का गाना गा सकते हैं, शादी से पहले, सारे शहर में आपसा कोई नहीं, पत्नी खुश, शादी के 5 साल बाद गाओ, मुझे दर्द दिल का पता मिल गए, मैं अकेला यूं ही मजे में था, मुझे आप किसलिए मिल गए। ज्यादा मत गाना वरना ही गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा यम्मा यम्मा, लड़का है लड़की है। तो बहुत सारे रफी साहब के गाने हमने सुने, आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, रफी साहब की बातें कहने का मौका मिला, जितनी बातें रफी साहब के लिए की जाए कम है, रफी साहब का कौन सा गाना, 25 साल से ज्यादा गाने गाए उन्होंने,
कौन सा गाना अच्छा, कौन सा उससे अच्छा और कौन सा सबसे अच्छा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हुस्न का शबाब क्या, वादिये हिजाब क्या, रफी साहब आप तो बस आप है, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। थैंक यू मच।